अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। हाँ। निजीकरण का सवाल है, सारी चीज तो निजीकरण करके रख दिए उन्होंने, अनाज वो भी निजीकरण कर दिया, अब जल रह गया था वो भी निजीकरण कर देंगे, जबकि कुदरत ने अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश सबको मुफ्त दिया है, ये कौन होते हैं बंद करने वाले? अगर इनको बंद करना है, कल ये कहेंगे सांस बंद कर लो, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप दूसरी सांस मत लीजिएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इस सरकार को खास देखना है, अब नहीं चाहिए बस, बहुत हो गया, कहने को बहुत कुछ है, अब तो यही लगने लगा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इतना कह के बंद करती हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये प्राइवेटाइजेशन पानी का यहां पर नहीं रोका गया तो सांस लेने की भी पैसे पड़ सकते हैं, क्योंकि शुद्ध हवा का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अभी भी भारत में कई जगह पर शुद्ध हवा के पार्लर खुल रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन पार्लर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेना है तो उस पार्लर में जाइए, कुछ घंटे बैठिए, जहां पर हॉल होता है, चेयर होती है, कुछ मनोरंजन के साधन लगे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है उस हॉल में ज्यादा मात्रा में, जिससे कि आप अच्छी तरीके से फ्रेश एयर ले सके। इसका भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बॉटल बंद पानी की तरह होना शुरू हो चुका है, अब सार्वजनिक स्थानों पर भी होगा। आप अगर बस स्टैंड पर जाएंगे तो आपको एक ऐसा कमरा अलग से मिलेगा जो आज फैसिलिटी के नाम पर मिलता है, कल शुद्ध हवा के नाम पर मिलेगा, क्योंकि उसका भी प्राइवेटाइजेशन होगा। अगर उस स्थिति से बचना है तो आज ही इस स्थिति का पुरजोर विरोध जरूरी है। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। ये पानी का निजीकरण जो है ये बिल्कुल गलत बात है, ये जो नेता जो है ये अपने ऊपर सब कुछ रखना चाहते हैं, यानी जहाँ पर उनको वोट मिलेगा वहाँ पर ये होगा, ये सब बिल्कुल गलत बात है ये। और ये सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं ये। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, नमस्कार। हाँ बोलिए। अरे सर, इनसे जो टीवी पे आ रहे हैं उनसे बात करनी है सर। आप मेरे से लाइव में बात कर रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं सर? अगर ऐसा ही दुनिया चलेगा तो फिर कैसे आदमी जिएगा और काम करेगा, यही तो सवाल है। तो सवाल है सर, मान लीजिए जो पढ़े लिखे यंग आदमी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? जब नेता ही लोग भ्रष्टाचार में आ जाएंगे तो आम पब्लिक क्या कर पाएगी? बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण ये सब कुछ हो रहा है। कुदरती संसाधनों की लूट, देश में आज हर ओर प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है। ऐसे में अब सरकार पानी का निजीकरण करके इसे भी लूटने की छूट देना चाहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकार पर दबाव, पिछले कई वर्षों से कॉरपोरेट घरानों का दबाव सरकार के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये कंपनियां सरकार को मोटे मुनाफे के लालच देकर इसकी मार्केटिंग करना चाहती हैं। पानी पर एकाधिकार की कोशिश, सरकार बिजली का निजीकरण करके पहले ही लोगों को झटका दे चुकी है, अब पानी का निजीकरण इस बात की ओर इशारा करता है। इसे चुनाव में मुद्दा बनाकर मतदाताओं को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया जाएगा। भूजल स्तर में गिरावट, आज लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण देश में जल संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में सरकार इसका निजीकरण का हवाला देकर मोटा मुनाफा कमाना चाहती है। महानगरों में अवैध जल निष्कासन, देश में कई ऐसे महानगर हैं जहां पर निजी बोरिंग से पानी निकालकर बेचने पर प्रतिबंध है, मगर आज इसका लगातार दोहन किया जा रहा है, जिससे सप्लाई की पानी की बर्बादी हो रही। ये सारे कारण है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए और भी कई कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। अतुल यादव लखनऊ से। हाँ हाँ, देश को एक क्रांति की जरूरत है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं से, ऐसी सरकारों से जो इस जो जनता का अधिकार है उसको जो छीनती है, और सबसे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरत है आपके जनता को जागरूक होने के लिए, कि नेता लोग अपने भ्रष्टाचार के आगे ऐसी चीजों पर निजीकरण के लिए बढ़ावा दे रहे हैं जो जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद। लेकिन वो क्रांति करेंगे कब, होगी कब, समझेंगे कब, ये चीजें उन तक पहुंचेगी कब, ये सारी समस्या है, क्योंकि ऐसे विषयों पर ना मीडिया बातें बताने को बेताब है, ना जनता समझने को तैयार है। इस देश में कभी नमक के ऊपर बहुत ही नाम मात्र ऐसा टैक्स लगा था तो इस देश ने आंदोलन किया था उस महासत्ता के खिलाफ जो अंग्रेजों की थी, लेकिन इन काले अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ भी कोई बोलने को तैयार नहीं। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाली।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या पानी का निजीकरण होना चाहिए। इस विषय पर अब तक के सारे कॉलर ने सहमति जताई है और इसका विरोध किया है, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी चुप है। अपना सब कुछ खोने के बाद अब और पानी, हवा, ये सब चीजें जो हमारा प्राकृतिक अधिकार है वो भी जाने को तैयार है, लेकिन जनता है कि बोलती ही नहीं। कई कॉलर हमारे साथ बोलने के लिए तैयार है, उनको मौका देते हैं। सर नमस्कार, पवन शर्मा देहरादून से। हाँ सर, ये जो निजीकरण है ये तो मेरा ख्याल हमारे देशवासियों के पास से जो बुनियादी हक है उसको भी खोल लेना चाहते हैं। यह फीकत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ फीकत की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। जैसे ये टैंकर पानी का आता है तो उसके अलावा गरीब लोगों को, जो कमजोर लोग हैं या आवाज है, उनको पानी नहीं मिल पाता। जब ये उन लोगों के पास चला जाएगा जो पैसा देकर ही पानी देंगे, तो गरीब लोगों को पैसा दे नहीं पाएंगे, वो पानी पी नहीं पाएंगे। ये ऐसा हमें क्यों जहर नहीं दे देते, उन गरीबों को जहर क्यों दे देते जिनके पास पैसा नहीं है, ताकि ये पैसे वाले जिंदा रह सकें। दूसरा सर, ये निजीकरण के पीछे पड़े हुए इस व्यवस्था को सुधारना क्यों नहीं चाहते, ये मेरा कहना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। हाँ हेलो, हाँ मैं विकास बोल रहा हूँ, मैं झारखंड रेला से बोल रहा हूँ। हाँ ये आज जो गवर्नमेंट जो है ये हर चीज का जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है ये तो सुनते थे, लेकिन जब लूट मची तो अब देखे कि इसके मुनाफा मोटा जो है ये पानी का स्तर था, क्योंकि पानी का लेवल गिर रहा है, वाटर क्राइसिस हो गया है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट भी सोच रही कि इसमें जो है हम अच्छा खासा इसमें इनकम कमा सकते हैं, और ये विश्व बैंक और फलाने जगह एक बहानाबाजी है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो, खास कर ये हिंदुस्तान की जनता जो है पूरे लोग मिलजुल कर इस कांग्रेस पार्टी को जड़ करने नित नाबूद कर दे तो ज्यादा बढ़िया, अन्यथा आने वाला समय में हर जनरेशन हर चीज को ये प्राइवेटाइजेशन कर देगा। धन्यवाद। लेकिन यहाँ केवल कांग्रेस नहीं है, ऐसे कई राजनीतिक दल है जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों में इसका निजीकरण शुरू कर दिया है, और वर्ल्ड बैंक के तरफ विभिन्न प्रकार के लिए जब पैसे मांगने जब राज्य जाते हैं तब वो बैंक उनके ऊपर दबाव बनाती है कि आप इस विषय के लिए फंड लो, और अगर हम हमारा फंड लेते हैं तो आपको फलाने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। नियम वो तय करते हैं, सब कुछ वो तय करते हैं। इसका परिणाम हम दिल्ली में देख चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक ने दिल्ली के पानी के प्राइवेटाइजेशन में कितनी धांधलियां की, कितनी नियम तोड़े, और ये सारे नियम तोड़ने के बाद अभी भी दिल्ली में ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन सरकार तो चुप है ही, जनता भी चुप है। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार नमस्कार, मैं मॉस्को से हूँ। मेरे ये पानी के निजीकरण के विषय में विरोध है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि जनता 2014 में होने वाला है, 2014 में चुनाव होने वाला है, उसको सब कांग्रेसियों को हटा दे, ऐसे फर्स्ट गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में रहने का जरूरत नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मास्को से भारतीय अपने प्रतिक्रिया को दे रहे हैं, लेकिन भारतीय है कि सब कुछ भगवान भरोसे भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान भरोसे तो भगवान पानी आपको दे चुका है, आपके भरोसे उसने पानी को छोड़ा है, लेकिन आप अब सरकार के भरोसे उसको छोड़कर सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भरोसे आपको छोड़ रही है। अगले कॉलर, हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं सीताराम गर्ग चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो पानी का मुद्दा है बहुत ही अहम मुद्दा है, मनमोहन सिंह अमेरिका के हाथों दिख चुका है, देश की हर त्रोहर ये बेचना चाहते हैं। इन्होंने पूरा लूट लिया है देश को, इनका क्या बंदोबस्त होना चाहिए, इन पागल कुत्तों को तो एक कमरे में बंद करके इनके कोई दखल ला देनी चाहिए। आप बताओ, मैं थोड़ा बड़ा अग्रेसिव हूँ, कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, कि क्या लोग जुड़ पाएंगे, कैसे होगा, मेरा बोलने करने से तो कुछ नहीं होगा, हमारे को कंपोजिट बेस से कुछ करना होगा। बिल्कुल, आप कार्यक्रम के बाद संपर्क में रहिए। देश के सज्जन व्यक्ति को बढ़ावा देना और दुर्जनों के खिलाफ आवाज उठाना यह हमारा काम है, हम आप जैसे लोगों को जरूर मदद करेंगे। जो भी सामाजिक क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है सुदर्शन उसके साथ है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, हम आपको MMS भी दिखाएंगे, आपको परिणाम पहले दिखाते हैं उसके बाद कई कॉलर और MMS भी हम आपको दिखाएंगे, परिणाम पहले देखते हैं। देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पानी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो हर कोई इसे अपने कब्जे में करने का प्रयास करेगा।
जिससे जन आक्रोश भड़क सकता है। मीठे जल का भंडार खत्म हो जाएगा। हमारे देश में मीठे जल का विशाल भंडार है, अगर इसे निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा गया तो इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में बेचकर हमारे देश के जल भंडार को समाप्त कर देंगी। आम आदमी का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। संविधान की धारा 21 व्यक्ति को जीने का अधिकार प्रदान करती है, साथ ही ऐसे किसी भी चीज का निजीकरण की इजाजत नहीं देती जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर सरकार पानी का निजीकरण करती है तो इससे आम आदमी का भरोसा सरकार से उठ जाएगा, प्राकृतिक जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। भारत एक विशाल देश है जहां पर करोड़ों की संख्या में पशु पक्षी एवं जंगली जीव जंतु निवास करते हैं। अगर पानी का निजीकरण किया गया तो इन जीवों को पानी नहीं मिल पाएगा जिससे इनका अस्तित्व ही। आप जो फोटो अभी देख रहे थे स्क्रीन पर, पानी के सिवा कितने पशु प्राणी मर रहे हैं, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, वहां पर मोर और कई कई ऐसे प्राणियों के फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं, ऐसे फोटो मिलेंगे जो अकाल की स्थिति दिखाती है, जो दिखाती है कि पानी जब नहीं होगा तो क्या हो सकता है। लेकिन ये स्थिति बहुत ही जल्द आने वाली है। जिन देशों में प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां पर जो कुएं है उसके ऊपर भी मीटर लगाए गए, सार्वजनिक जो पानी की संपत्ति है उसके ऊपर भी जब कंपनी ने दावा ठोका तो लोग वहां पर कंपनी के खिलाफ जब खड़े हो गए तो सरकार ने उन कंपनी को बचाने के लिए गोलियां चलाई। पानी मांगोगे तो गोली झेलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। यह स्थिति आने के पहले बोलने की तैयारी अगर आप करेंगे तो यह स्थिति ही नहीं आएगी। अगले कॉलर, नमस्कार। वंदे मातरम अंकल, बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक विपक्ष की बात है, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार जैसे बेहूदा फैसले लेती रही है, ये उनमें सबसे दुष्टतापूर्ण फैसला होगा। सरकार में बैठे लोग सामाजिक और मानवीय मूल्यों से कटे हुए हैं, उनसे ऐसे ही घटिया फैसलों की उम्मीद है। मुफ्त का मिनरल वाटर पीने वाले नेता चौराहों पर लगे नलों का महत्व कैसे जानेंगे। लगता है हमारे नेताओं की आंखों से शर्म का पानी सूख गया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी सर, बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरा नाम मनोज है। मैं जलंधर से बोल रहा हूँ और वैसे हिमाचल का प्रॉपर्ली रहने वाला हूँ। और ये जो इन्होंने उत्तराखंड का एक जो हरीश रावत जी को जो जल संसाधन मंत्री वगैरह बनाया हुआ है ना, ये इनकी पूरी चाल है। उन जो दोहन करने का जो उनका एक सिस्टम है उसको पूरा दोहन करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसको प्रोग्रेस नहीं करेंगे उस चीज को। ये दोहन कर रहे हैं, इससे हमारी पूरी नदियां खत्म हो गई हैं, पूरा समाज हमारा खत्म हो रहा है। नीचे भी जो भी नीचे भी रहते हैं, डेप्थ में दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सब कुछ। ये पूरी जो आज गर्मी की हालत है, ये पूरी ग्लोबल वार्मिंग जो ये कर रहे हैं, ये पूरी जो एक कांग्रेस है, ये पर्टिकुलरली मैं एक इंडिकेशन इनके ऊपर दे रहा हूँ। इसमें कुछ और लोग भी वैसे शामिल है, जैसे कि निशंक जी हो गए जो। धन्यवाद। हम जानते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचारी तो सब कुछ करेंगे, देश लुटाने के लिए तैयार है, नाम लेने की जरूरत क्या है, सब तरफ ये फैले हुए हैं। लेकिन सब तरफ जो दूसरे आप और हम हैं वो अगर इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं तो लूटने वाला तो लूट करेगा ही। इस लूट के खिलाफ बोलने की जरूरत है और वो भी सही समय पर बोलने की जरूरत है। वो समय अब आ गया है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पर अब ये स्टैंप लगने जा रहा है, ठप्पा लगने जा रहा है, ये अधिकृत होने जा रहा है और वर्ल्ड बैंक के दबाव में शायद चुनाव के पहले ये सरकार निर्णय कर बैठेगी और फिर आपके हमारे हाथ में पीछे हटने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अब आगे बढ़ने की जरूरत है और इसलिए बिंदास बोल में ये मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए। आज भी भारत में कितनी गंभीर स्थिति है, हम अनुमान के मुताबिक यहां पर 20 करोड़ परिवार होंगे, लेकिन इस 20 करोड़ परिवार में से 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध पानी का पीने का पानी मिलता नहीं है, जिसके लिए उनको अपने सर के ऊपर बर्तन लेके पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। लेकिन ये कोसों दूर भी तब जाएंगे जब पैसे इनके जेब में होंगे।